एसोसिएशन आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त पूरे बनारस कचहरी में जब से लॉकडाउन टूटा है कम हुआ है, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। इवन मैं खुद गवाह हूँ किसानों के मामले में। मैं जिलाधिकारी के अदालत में एक हफ्ता पहले बात कर रहा था, कोई भी व्यक्ति कोई भी वादकारी इवन जिलाधिकारी महोदय वहाँ मास्क नहीं लगाए थे और ना तो किसी को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। बहुत खराब स्थिति है। लॉ पीक एंड चूथ पे नहीं चलेगा कि पुलिस वाले बिना मास्क के घूमे और वकीलों को कंपेल किया जाए कि आप मास्क पहनिए। हम मास्क पहनने के लिए कल भी ही में हिदायत करते थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वायलेशन मास्क नहीं लगाने का। यदि कोई काम कर रही है तो वो पुलिस प्रशासन के लोग कर रहे हैं और जितने पुलिस प्रशासन के लोग हैं, मेरे पास फोटो है, मेरे पास वीडियो है, सामने देख लीजिए कितने लोग मास्क लगाए हैं, उनके ऊपर अभी एफआईआर दर्ज कीजिए और तो हम भी चल जाएंगे, आप भी चल जाएंगे। लेकिन एक तरफा मुकदमा नहीं चल, हमारे महामंत्री के साथ बेसलूकी की गई। तो मास्क इस वक्त जब से लॉकडाउन खत्म हो रहा है मास्क उतनी स्ट्रिक्टली लोग नहीं लगा रहे, ये बात सच्चाई है, लेकिन इसको आप एफआईआर दर्ज करके एक जबरदस्ती करके नहीं लागू करवा पाएंगे। ये स्वतः स्फूर्त हमारे किसी अधिवक्ता साथी के ऊपर मुकदमा हुआ है, उसी के विरोध में हम लोग जनरल पार्टी की मीटिंग किए हैं और यहाँ आकर अपना विरोध शांतिपूर्वक डेमोक्रेटिक तरीके से, जो हमारे महात्मा गांधी ने हमको रास्ता बताया है, गांधीवादी तरीके से हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जब तक वो एफआईआर स्पंज नहीं हो जाता है, वकीलों के खिलाफ भी उत्पीड़न तक कार्रवाई हो रही है, जो सुनवाई नहीं हो रही है, यदि नहीं होगा तो ये हड़ताल चलता रहेगा। एक नामजद है और कई लोग अज्ञात हैं। हमारी एक के तहत हुआ है जी जी जी।